नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। अक्षय कुमार फाइनली हेरा फेरी 3 और वेलकम 3 का हिस्सा बन गए हैं। जब वेलकम 3 की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है, वहीं हेरा फेरी 3 अगले साल फ्लोर पर जाएगी। इन दोनों ही फिल्मों के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाद्वाला है। दोनों फिल्मों से जुड़े सूत्रों की माने तो इन फिल्मों का हिस्सा बनने के लिए अक्षय ने काफी मेहनत मशक्कत की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय को जब पता चला कि हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं तो वो बहुत दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने फिरोज नाडियाद्वाला से अपने मतभेद सुधारने का फैसला किया। तब जाकर अक्षय को इस फ्रेंचाइजी में एंट्री हुई। इसके पहले कार्तिक अक्षय को भूल भुलैया फ्रेंचाइजी के सेकेंड पार्ट भूल भुलैया 2 में रिप्लेस कर चुके हैं। 266 करोड़ रुपये की कमाई के साथ यह फिल्म 2022 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म थी। सूत्रों ने आगे बताया, अक्षय जानते थे कि फिरोज की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेहतर नहीं है। ऐसे में अक्षय ने इन दोनों फिल्मों के लिए अपनी फीस घटाने का भी फैसला किया। शुरुआत में अक्षय अपनी पूरी फीस सेक्रीफाइस करके प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर डील करना चाहते थे। चूंकि फिरोज अपनी आईपी रिटेन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अक्षय के साथ रेवेन्यू शेयर करने का फैसला किया। इसके अलावा अक्षय खुद ही फिल्म के लिए जियो स्टूडियोज को प्रोड्यूसर के तौर पर बोर्ड पर लेकर आए। जियो के फिल्म से जुड़ने के बाद फिरोज के कर्ज सेटल हो गए, फ्रेंचाइजी रिवाइव हो गई और अक्षय को भी जियो से प्रॉफिट शेयरिंग में अपना हिस्सा मिलेगा। सूत्रों की माने तो इसके बाद फिरोज ने भी अक्षय को टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पर 9 करोड़ रुपए के 2 चेक दिए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।